वैसे तो क्रिकेट में प्लेयर्स कई अलग अलग तरीके से आउट होते हैं, लेकिन हमारे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब के नाम पर आउट होने का भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले बैट्समैन हैं। अंपायर की गलतियों को कम करने के उद्देश्य से श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर महिदा विजय सिंघे ने थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट दिया था। 1992 में सबसे पहले डरबन में खेली गई साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच की टेस्ट मैच में पहली बार थर्ड अंपायर के नियम को लागू किया गया था। तो इस थर्ड अंपायर वाली सबसे पहली मैच के सबसे पहले थर्ड अंपायर थे कार्ल लिबेनबर्ग, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के लिए रनआउट का डिसीजन दिया था। थर्ड अंपायर वाले नियम का ये सबसे पहला डिसीजन था। नहीं नहीं नहीं, ये नियम पहले हमारी कॉलोनी में खोजा गया था। जब भी कभी हमको आउट नॉट आउट में डाउट होता था ना, तो हम सब उसके सामने देखते थे जो अपने घर से बॉल बैट सब लेके आया हो। उसने बोला आउट तो आउट, उसने बोला नॉट आउट तो फिर भले ही स्टंप गिर गए हो, भले ही बैट्समैन स्टंप के ऊपर बैठा हो, नॉट आउट मतलब नॉट आउट भाई।